गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज डेट है 13 मार्च 2020, शाम के 8:40 हो रहे हैं और आज मैं जा रहा हूँ एक नए ट्रिप पे जो कि है कैमूर बिहार के लिए। गाजीपुर से जा रहा हूँ कैमूर बिहार, पूरा एक्सप्लोर करेंगे कैमूर बिहार को कल सुबह। और यहाँ से मैं बस पकड़ रहा हूँ, एक्चुअली ये स्पॉन्सर्ड ट्रिप है मेरे कॉलेज की तरफ से, तो कॉलेज स्पॉन्सर कर रहा है इसको। और अभी मैं अभी अपने घर पे ही हूँ और पूरा रेडी हूँ बैग वैग के साथ, आप देख रहे होगे। और अभी फट से निकलना है, 9 बजे यहाँ से निकलना है, बस की टाइमिंग है, 15 मिनट बचे हैं, जल्दी से भाग के जाऊँगा अभी। और यहाँ से हम लोग 9 बजे निकलेंगे और प्रॉब्ली सुबह में हम लोग पहुँचेंगे कैमूर और पूरा दिन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कैमूर, फिर रात को हम लोग वहाँ से चलेंगे और फिर शायद नेक्स्ट डे या सुबह में या फिर भोर में हम लोग यहाँ पर वापस गाजीपुर पहुँचेंगे। और ये स्पॉन्सर ट्रिप है तो मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे और ये सोलो ट्रिप नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे टीचर्स भी शायद साथ में होंगे, तो दैट्स द सीन। और बाकी सब मैं आप लोग को बताता हूँ सीधे कॉलेज पर पहुँच के। ठीक है, अपने घर से निकल गया हूँ और अभी कुत्ते भोंक रहे हैं रास्ते में। और अभी मेरा कॉलेज यहाँ से अभी 500-600 मीटर दूर है और लगभग मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे जाने में। और आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप, ये प्री प्लान ट्रिप है, पूरी तरीके से प्लान्ड है कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे क्या क्या होगा, कितने बजे कहाँ से होगा, सारा कुछ प्लान्ड है। तो वो सारा कुछ प्लान किया है मेरे कॉलेज ने और मैंने बताया भी कि स्पॉन्सर्ड है मेरे कॉलेज की तरफ से, तो मेरा इसमें कुछ प्लान नहीं है। और कैमूर में कितनी जगह हैं ये भी मुझे पता नहीं है, अगर सोलो ट्रिप होती तो सारे को कवर करता, और ये स्पॉन्सर्ड है तो वही लोग जहाँ जहाँ लेके जाएंगे वहाँ वहाँ मुझे जाना होगा, सो दैट्स द थिंग। ठीक है, एक्चुअली बिहार में तो जाना बहुत बार हुआ था बट इस तरीके से सिर्फ ट्रैवल के लिए जाना पहली बार हो रहा है, वो भी बस में और इतने सारे लोगों के साथ पहली बार है। स्कूल्स में तो काफ़ी ट्रिप्स गया था लेकिन इतना लंबा नहीं गया था, ये काफ़ी लंबा होने वाला है इस बार। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आएगा, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मेरा हुलिया देखिए आप लोग, लोअर और टी शर्ट पहना हूँ मैं, हालांकि ट्रिप है मुझे कुछ अलग पहन के जाना चाहिए था लेकिन मैंने अपना यहाँ एक जोड़ी कपड़ा रखा हुआ है, सुबह में फ्रेश होने के बाद मैं चेंज करूँगा शायद अगर स्पेस मिलेगी तो, पता नहीं स्पेस मिलेगी कि नहीं, लेकिन जो भी है मैंने रख लिया है इसमें। सारे इक्विपमेंट्स हैं मेरे, चार्जर है मेरा, पावर बैंक है, USB केबल है, कुछ खाने की चीज़ें हैं और मेरा गिम्बल है। 9:10 हो गए हैं और मैं काफ़ी पहले ही 10-15 मिनट पहले पहुंच गया था यहाँ पे, और उधर मेरा कॉलेज है। अभी हम लोग बस की वेट कर रहे हैं यार, अभी तक बस नहीं आई है, मुझे लगा था बस खड़ी होगी और पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि अभी बस नहीं आई है। और हमारे जो टीम मैनेजर हैं अतुल सर, वो भी अभी नहीं आए हैं, प्रॉबेबली वही बस को लेके आने वाले हैं। वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ मस्ती कर रहे हैं, चलते हैं अभी कॉलेज की तरफ। ठीक है, आती है बस तो फिर मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। ठीक है, वहीं पे मिलेंगे बस के अंदर। यार मुझे सीट लेनी है यार, विंडो सीट लेनी है मुझे सारे शॉट्स लेने के लिए, तो देखते हैं विंडो सीट मिलती है कि नहीं। मेरे साथ राहुल है, राहुल मेरा क्लासमेट है ज्योग्राफी से और हम लोग साथ में रहने वाले हैं, ये मेरे साथ में रहेगा पूरे ट्रिप में। 9:30 हो रहे हैं और अभी बस को खुलने में अभी लगभग आधे घंटे और हैं, और हमारे पीछे ये बस है, काफ़ी अच्छी बस है, अंदर से बैठे हैं हम लोग, डबल डबल सीट है सारे में और रिक्लाइंड भी हो जाएगी प्रॉबेबली, और विंडो सीट मैंने ले लिया है, बगल में राहुल है। और अभी हम लोग सर से रूट मैंने पूछा तो यहाँ से हम लोग बनारस जाने वाले हैं, फिर बनारस से हम लोग लेने वाले हैं कैमूर के लिए। ठीक है, लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे हमको और सुबह में हम लोग पहुँचने वाले हैं, फिर काफ़ी अच्छी जर्नी होगी होप तो। चलिए मिलते हैं आपसे सीधे वहीं। ये कुछ अंदर की बस का सीन है, इधर सारे लोग बैठ गए हैं, अपनी ये वाली सीट है, विंडो सीट मैंने लिया है। ठीक है, ठीक 10 बज रहे हैं और बस चल रही है यहाँ से अपने कॉलेज से, सीधे ये वाला रास्ता लेके हम लोग हाईवे पे जाएंगे, फिर हाईवे से हम लोग सीधे बनारस के लिए जाएंगे। और देखना होगा कि कितनी कंफर्टेबल सीट है, लग तो रही है कि काफ़ी कंफर्टेबल है, पीछे ये सारे लोग बैठे हुए हैं और ये मेरी विंडो सीट।
काफ़ी एक्साइटेड हूँ ट्रिप के लिए। सुबह होने का इंतजार है यार, काफ़ी अंधेरा है बाहर, कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो काफ़ी वेट करते हैं सुबह में। सुबह में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक बाय बाय। हाँ तो भैया, सुबह के 4:15 हो रहे हैं और लगभग 6 घंटे की दूरी तय करने के बाद, और पता नहीं कितने किलोमीटर हम लोग चले हैं, उसके बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एक्चुअली भभुआ में हैं हम लोग अभी। यहाँ पे माँ मुंडेश्वरी का टेंपल है, वहाँ पे हमारी बस रुकी हुई है, उससे अभी 2 किलोमीटर पहले ही रुकी हुई है, और यहाँ पे सारे लोग फ्रेश हो रहे हैं। मैं भी अभी जा रहा हूँ फ्रेश होने, और उसके बाद चेंज करेंगे और फिर मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है? उसके आगे का प्लान उसके बाद ही बताता हूँ। सी यू देयर। बस तो काफ़ी कम कंफर्टेबल है बैठने के लिए, रिक्लाइंड हो गई थी सीट, लेकिन स्लीपर नहीं है तो इस वजह से सो नहीं पाया मैं। बाकी ठीक है, आज की रात ऐसी ही बीती, बाकी देखते हैं आगे का।